आज का प्लान है 23 फीट × 43 फीट, ये 109 गज में बना हुआ है, स्क्वायर फीट है 989 स्क्वायर फीट और इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 10 लाख पर यूनिट। फ्रंट साइड में रोड है, फ्रंट साइड का डायमेंशन है 23 फीट, इस साइड का डायमेंशन 43 फीट, बैक का डायमेंशन 23 फीट और इस साइड का डायमेंशन 43 फीट। दोस्तों ये टोटल ग्राउंड टू टॉप फ्लोर का प्लान है। इस प्लान में सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लान के डायमेंशन से। ये फ्रंट साइड में रोड है, यहाँ पे मेन गेट दिया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर के लिए एक डायरेक्ट यहाँ से मेन गेट दिया गया है और अपर फ्लोर के लिए और ग्राउंड फ्लोर के लिए दोनों के लिए एक यहाँ से भी दिया गया है। जब हम लोग इस मेन गेट से इन करेंगे तो यहाँ पर स्टेयर एरिया आ जाएगा जिसका डायमेंशन है 12 फीट × 11 फीट। इस साइड का डायमेंशन 12 फीट और इस साइड का डायमेंशन 11 फीट। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 4 फीट का। स्टेयर एरिया में दो विंडो दिए गए हैं, एक विंडो इस साइड में दिया गया रोशनी के लिए और एक विंडो इस साइड में दिया गया रोशनी के लिए। इस स्टेयर एरिया में यहाँ से अप होंगे, यहाँ फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा, इसके बाद और अप होंगे तो ये सेकेंड लैंडिंग आ जाएगा, उसके बाद और अप होकर के हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। फ्रंट साइड में यहाँ से जब इन करेंगे तो यहाँ गेस्ट रूम है, इसका डायमेंशन है 12 फीट × 10 फीट 9 इंच। इस साइड का डायमेंशन 12 फीट और इस साइड का डायमेंशन 10 फीट 9 इंच। इस गेस्ट रूम में यहाँ पे एक विंडो दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है, ये डोर है अंदर जाने के लिए। इस गेस्ट रूम के साथ यहाँ पे एक सेपरेट बाथरूम दिया गया है, ये बाथरूम है सेपरेट बाथरूम, इसका डायमेंशन है 7 फीट × 4 फीट 4 इंच। इस साइड का डायमेंशन 7 फीट और इस साइड का डायमेंशन 4 फीट 4 इंच। इस बाथरूम में एक वेंटिलेशन यहाँ दिया गया है, ये डोर है इस बाथरूम का। हम लोग इस गेस्ट रूम या फिर इस स्टेयर एरिया साइड से यहाँ से या फिर यहाँ से जब इन करेंगे तो ये डाइनिंग स्पेस आ जाएगा जिसका डायमेंशन है 15 फीट 4 इंच × 10 फीट। इस साइड का डायमेंशन 15 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन 10 फीट। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 6 फीट, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 3 फीट 7 इंच। हम लोग बेडरूम की बात करते हैं। इस डाइनिंग स्पेस से इस डोर से जब इन करेंगे तो यहाँ बेडरूम मैंने दिया है एक, जिसका डायमेंशन है 14 फीट × 10 फीट 9 इंच। इस साइड का डायमेंशन 14 फीट और इस साइड का डायमेंशन 10 फीट 9 इंच। इस बेडरूम में यहाँ एक विंडो दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है, ये डोर है इस बेडरूम का। इस डाइनिंग स्पेस से यहाँ से जब इन करेंगे तो यहाँ पे एक और बेडरूम मैंने दिया है जिसका डायमेंशन है 14 फीट × 11 फीट। इस साइड का डायमेंशन है 14 फीट और इस साइड का डायमेंशन 11 फीट। इस बेडरूम में एक विंडो इस साइड में दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है, ये डोर है इस बेडरूम का। हम लोग किचन की बात करते हैं। इस डाइनिंग स्पेस से यहाँ से जब इन करेंगे तो यहाँ मैंने एक किचन दिया है जिसका डायमेंशन है 7 फीट 11 इंच × 7 फीट। इस साइड का डायमेंशन 7 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन 7 फीट। एक विंडो दिया गया है इस किचन में, ये डोर है इस किचन का। हम लोग कॉमन बाथरूम की बात करते हैं। इस डाइनिंग स्पेस के साथ यहाँ से जब इन करेंगे तो यहाँ मैंने एक कॉमन बाथरूम दिया है जिसका डायमेंशन है 7 फीट × 7 फीट। इस साइड का डायमेंशन 7 फीट और इस साइड का डायमेंशन भी 7 फीट। यहाँ पे एक वेंटिलेशन दिया हुआ है इस बाथरूम में। हम लोग वॉल की बात करें तो इस प्लान में सभी वॉल 5 इंच के दिए गए हैं, ये 5 इंच है। ये था ग्राउंड फ्लोर का प्लान। हम लोग फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर में भी सारा रूम सेम जगह पर है, सारे वॉल सेम जगह पर हैं और सारा डायमेंशन सेम है ग्राउंड फ्लोर की तरह। दोस्तों ये 23 फीट × 43 फीट के प्लान में आपको मिल गया एक सेपरेट स्टेयर, यहाँ पे गेस्ट रूम मिल गया, इस गेस्ट रूम के साथ यहाँ पे एक सेपरेट बाथरूम मिल गया, एक डाइनिंग स्पेस मिल गया, यहाँ कॉमन बाथरूम मिल गया, यहाँ पे किचन मिल गया और यहाँ पे एक बेडरूम मिल गया, एक और बेडरूम यहाँ पे मिल गया और इस बेडरूम के साथ यहाँ पे सेपरेट बाथरूम मिल गया। दोस्तों इस प्लान में 3 बाथरूम मिल गए, एक बाथरूम यहाँ पे, एक बाथरूम यहाँ पे और एक बाथरूम यहाँ पे और 3 रूम मिल गए, एक रूम यहाँ पे, एक रूम यहाँ पे और एक रूम यहाँ पे। सेपरेट स्टेयर मिल गया, ये डाइनिंग स्पेस मिल गया बड़ा सा। ये 23 फीट × 43 फीट का प्लान जो है ये बहुत ही अच्छा प्लान है। इस प्लान को 20 फीट × 40 फीट के प्लान में आप कन्वर्ट कर सकते हैं 3-3 फीट आप कम करके। दोस्तों ये था हमारा 23 फीट × 43 फीट का हाउस प्लान
उम्मीद है आपको ये प्लान भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।